Hello virtual, let's read the question. So, the question says Ball A of mass 5 kg kilogram moving at 20 meter per second collide with ball B of unknown mass moving at 10 meter per second in the same direction. After the collision, ball A moves with 10 meter per second and ball B at 15 meter per second, both still in the same direction. What is the mass of ball B? The option given is first one 6 kg, second one is 2, 10 kg, third one is 10, uh, 2 kg, and फोर्थ वन इज ट्वेल्व के जी आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पे हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहां पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ठीक है तो ये की सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं ठीक है थीके? इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा ठीक है तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही तभी हम ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है थीके? तो हम मान के चलते हैं कि यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ठीक है तो इनिशियल सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें मास हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि मास जो है बॉल का कंसिडरिंग कंसिडरिंग मास ऑफ़ बॉल इज एम ठीक है एम हम कंसिडर कर रहे हैं मास का एक बॉल का मास दिया गया है फाइव किलोग्राम ठीक है तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम लोग लिखना चाहें तो इनिशियल मोमेंटम पीई सॉरी e, पी आई वल टू क्या लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा एम इंटू वी पहले बॉल का मास इंटू वेलासिटी ऑफ पहले बॉल का वेलोसिटी कितना है ट्वेंटी ठीक है एंड दिस विल बी इक्वल टू दूसरे बॉल का मास हमने एम कंसिडर किया है और इसकी वेलोसिटी जो है वो कितना है टेन मीटर पर सेकेंड ठीक इसी तरह से अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा आ, फाइनल मोमेंटम ऑफ़ द बॉल मास मास वही है तो मास हम लोग फाइव लिखेंगे उसके बाद अगर मास फाइव है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया टेन ठीक है उसके बाद सेकेंड मास का अगर हम लोग मास एम लिए हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो गई फिफ्टीन ठीक है तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं पी आई विल बी इक्वल टू पी एफ तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फाइव इंटू ट्वेंटी प्लस इंटू टेन दिस विल बी इक्वल टू फाइव इंटू टेन प्लस एम टाइम्स फिफ्टीन ठीक अब यहां से क्या हो जाएगा ये हंड्रेड प्लस एम टाइम्स टेन दिस विल बी इक्वल टू 50 प्लस एम टाइम्स 15 ठीक अब यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ये इधर आके कितना हो जाएगा दिस विल बी 50 और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स एम ठीक है तो ये 5 10 जो कितना हो जाएगा 10 सो so एम की जो वैल्यू आएगी एम विल बी नथिंग बट टेन के ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी टेन के ठीक तो यहां से अगर हम लोग ऑप्शन uh, को सर्च करें तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी दैट इज टेन के जी आई होप यू अंडरस्टूड वेल